क्यों बे, अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, जान पड़ता है मैं उड़ रहा हूँ बादलों में। बादलों में? हाँ, उड़ रहा हूँ, उड़ रहा हूँ। तेरी तो क्यों रे, चाय पीने के लिए हमको 1,00,000 रुपया डिसाइड किया? इतना रुपया लुटाने के लिए आया कहां से? तुझे इससे क्या मतलब? चाहिए तो और 1,00,000 देता हूं। तू लाख नहीं, इतना सारा माल आया कहां से? वो राज हमका पता ही दे। वो मैं कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा प्रभु? वो दुष्ट मानो भविष्यवाणी के लिए उस लाचार को किस बुरी तरह से मार रहे हैं। मारने दो और मारने दो, इस छोटे ने भी भविष्यवाणी के लिए हमको कितना सताया है, इसके लिए यही दंड ठीक है। प्रभु, यदि इसे कुछ हो गया तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। हा? और हमें सदा सदा के लिए धरतीवासी होकर यहीं पर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर हमें उसको बचाना होगा। नेक कार्य में देर क्यों प्रभु, बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। मगर प्रश्न ये उठता है चित्रगुप्त कि हम उसको बचाएं कैसे? तुम क्या चाहते हो, इन कीड़ों मकोड़ों से जाकर हम लड़े? हमारा अपमान नहीं होगा? प्रभु, आप स्वयं कष्ट क्यों करेंगे? स्वर्ग लोक में ब्रूस ली नामक योद्धा की आत्मा है, उस आत्मा को बुलवाकर इसके शरीर में प्रवेश करवा दीजिए। अति उत्तम चित्रगुप्त, अति उत्तम। धूम ताता, ब्रूस ली। योद्धा, उस मानव के शरीर में प्रवेश करके इन सब दुष्टों का सर्वनाश करो। धूम तथा Thank you.
प्रभु, मैंने सदा ही आपको मनुष्यों के शरीर को खोलते हुए तेल में तलते देखा है, परंतु आज एक मनुष्य के घावों पर तेल मलता देखकर बड़ा विचित्र लग रहा है। छोटे, तू इतनी मार से कैसे गए रे? अपनी मां के लिए। वाह, अपनी माता के लिए इतना प्रेम, धन्य है वो मां, अरे जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। हमारा भी मन करता है कि हम उस माता के दर्शन करें और उसके हाथों बना हुआ थोड़ा सा भोजन करें। जरूर, पर मेरी मां को पता नहीं लगना चाहिए कि आप लोग कौन हैं। मैं कहूंगा कि रास्ते में कुछ गुंडे मुझे मार रहे थे, तो आपने मेरी जान बचाई। ठीक है, हमें भी अपना पुत्र समझकर इसी प्रेम से एक निवाला दीजिए ना। आप तो मेरे लिए देवता समान हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए, आज सब कुछ हमारी समझ में आ गया। क्या समझ गए प्रभु? यही कि भगवान विष्णु बार बार मानव का अवतार क्यों लेते रहे। क्यों प्रभु? माँ के हाथों प्रेम भरा खाना खाने के लिए। मालकिन। चित्रगुप्त। प्रभु, हम देवताओं से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल प्रभु? अरे, हमने अमृत तो अपने पास रख लिया, मगर माँ की ममता मानव को दे दी। इसीलिए प्रभु हम तो अमर हो गए और मानव धन्य हो गया। आनंद आ गया प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयुष्मान भव। प्रभु प्रभु, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? आपका काम मनुष्यों के प्राण हरण करना है, उन्हें जीवन दान देना नहीं। आपने उन्हें दीर्घ आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद क्यों दिया? चित्रगुप्त, जैसे ही उस माता के हाथों का निवाला हमारे गले से नीचे उतरा कि न चाहते हुए भी हमारे मुंह से वो आशीर्वाद निकल गया। ये अनजाने में हुआ। वो जैसे भी हो गया, आपने दीर्घ आयुष्मान भव कह दिया है। अब आप वचन दें कि मेरी माँ की जान नहीं लेंगे तो मैं वो पुस्तक आपको दे दूंगा। असंभव, हम समझे कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आशीर्वाद दिया तो मेरी माँ को ना, इसलिए मेरी माँ की जान न लेना आपका धर्म है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो क्या हुआ प्रभु, अमेंडमेंट कर लेंगे। देख। आहिस्ता आहिस्ता, शरीर इतना सूजा हुआ है कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो ऐसा लगता है कि हाथी ने पाव रख दिया। अच्छा चल चल, बोल बुलाया क्यों? वो छोकरा है ना, छोकरा। कौन सा? जो प्यार प्यार करते तेरे पीछे घूमता रहता है। उसके पास एक सीक्रेट है, उस सीक्रेट से वो सवर्णा पैलेस डिसाइड किया, करोड़ों रुपया डिसाइड किया। वो सीक्रेट तू मेरे पास लेकर आ तो आधा बॉम्बे तेरा, आधा आधा बॉम्बे मेरा।
सीधे से बोल, करना क्या है? तुम्हारी और उसकी शादी एक नाटक की तरह हुई और खत्म भी हो गई। तुम्हें वापस वो नाटक करना होगा। उस घर की बहू बनकर थप्पी थप्पी नोट वो छोकरा कैसा डिसाइड किया, वो राज लेकर मेरे पास आना होगा। अबे इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे उसे तो मार मार के उगलवा लेते हैं। नहीं, समस्या को हमेशा शांति से डिसाइड करना चाहिए। हाथ पांव हिलाने का नतीजा तुम्हारे सामने है। ओके, मैं उस पैलेस में बहू बनकर जाऊंगी और राज मालूम करके ले आऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो नरेमन पॉइंट से एयरपोर्ट तक बंबई में तेरी गुंडागर्दी, एयरपोर्ट से पनवेल तक मेरी गुंडागर्दी। जल्दी आना। ओके। सूरज बेटे, तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे पांडू माँ ने मुझसे बात की, मुझसे बात की। अरे सुनो तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है, तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहे, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुंभ कुंभ लिली।